आजाद मैदान में अपनी कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य कायम बिना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय प्राध्यापक व कर्मचारी संगठन पैनल तले महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से प्रोफेसर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े से भी चर्चा की, लेकिन अभी तक प्रोफेसर्स को कोई भी जवाब नहीं मिला। इस दौरान मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। आपका नाम जानना चाहूंगी और आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं प्राध्यापक संजय गंगाधर जाधव, महाराष्ट्र राज्य कायमानुदानित प्राध्यापक व कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष आहे। आमची मागणी उच्च शिक्षणाशी संबंधित आहे। माननीय विनोद तावडे साहेबांसोबत 2001 पासून आम्ही विनावेतन काम करत आहोत आणि आम्ही जे काम करत आहोत हे राष्ट्र उभारणीसाठीचं काम आहे। आणि जर आम्ही राष्ट्र उभारणीचं काम करत असो आणि आमचाच जर जीवनमरणाचा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला असेल तर आम्हाला या ठिकाणी यावं लागतं आणि आम्ही 14 तारखेपासून या ठिकाणी आंदोलनावर बसलो आहोत। परंतु तत्पूर्वी 2001 पासून या ठिकाणी आम्ही सातत्याने येतो, आंदोलन करतो, सरकार नुसती आमची बोलवण करते आणि आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा ठोस निर्णय देत नाही। आता आमचा सरकारला एक निर्वाणीचा इशारा आहे की त्यांनी येत्या कॅबिनेटमध्ये आमचा कायम शब्द करून आम्हाला किमान 25% तरी अनुदान द्यावं ही आपल्या माध्यमातून विनंती आहे। मेरा नाम है संभाजी सटवाजी थोरात, मैं नांदेड जिला से आया हूँ। 2005 से मैं नेट पास होकर एक सीनियर कॉलेज पे बगैर पेमेंट के काम कर रहा हूँ। बाल बच्चों को लेकर आज जो जिम्मेदारियाँ महंगाई की वजह से बढ़ी हुई है, इसलिए हमारी जो मूलभूत गरज है वो पूरी नहीं होती है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आज हम यहाँ पूरे महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं, इन सब लोगों की जो मांग है कि भाई अपने कॉलेज को कायम आनंद शब्द से हटाकर 100% ग्रांट देना और हमारे लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करना, सबके समान काम और समान का वेतन जो चलता है उस तरह से हम 10-15 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमें 1 रुपये का वेतन नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ से संस्था चालक और एक दूसरी तरफ से सरकार, इसके अंदर जाकर हम पीस रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चों को और हमारे आने वाले अगली नस्ल को अगर बचाना है और देश के अच्छे नागरिक बनाना है और टीचरों को इज्जत से जीने का एक मौका देना है तो सरकार इस बात को गौर करे और आने वाले इलेक्शन से पहले हमारे इन मांगों को पूरा करे, अन्यथा अगले इलेक्शन पर हम सब भाई लोग आगे बहिष्कार करते हैं और इलेक्शन ना करने का यहाँ पर ऐलान करते हैं इससे पहले कि सरकार हमारा कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन दे दे। किसी तरह से वार्तालाप हुई हो, आपने किसी तरह से कोशिश किया हो? शिक्षा मंत्री से हमारी 5 बार बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम आपको आचार संहिता के पहले कुछ ना कुछ देंगे या कायम शब्द हटाकर 20% अनुदान देंगे, ग्रांट देंगे, लेकिन वो अपने शब्द से मुकर रहे। एक पास न शासनाने हा शब्द लावलेला आहे, कायम शब्द त्यांनी सगळ्यांना लावला, हायस्कूल आणि ज्युनियर आणि त्याच्यानंतर सीनियर कॉलेजला सुद्धा त्यांनी कायम शब्द लावला। लावताना त्यांनी एक हा धोरण होता, कायदा नव्हता, कायम शब्द हे धोरण आहे फक्त, कायदा नाही। आणि धोरण असल्यामुळे त्यांनी हा शब्द हळूहळू काढला। लावताना हा 2001 सगळ्यांना शब्द लावला आणि काढताना त्यांनी यात कुचराईपणा केलेला आहे। त्यामुळे पहिल्यांदा 2009 त्यांनी हायस्कूल मिडस्कूलचा कायम शब्द काढला, त्यानंतर 2014 त्यांनी ज्युनियरचा कायम शब्द काढला आणि आमच्याकडे आजही ते पाठपुरावा करत नाही आहेत। आम्ही कितीदा आंदोलनं केली आहे, कितीदा निवेदन दिलेले आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शासनाने आम्हाला जर अनुदान दिलं तर त्यांचं काहीही नुकसान होणार नाही आहे। धोरणाचा ते स्वीकार करत आहेत कारण की मॅडमांनी आत्ताच सांगितलंय आणि जेव्हा एखाद्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा दर्जा ढासाळला जातो त्यावेळेस त्या राष्ट्राची उभारणी न होता ते विनाशात जातं। त्यामुळं या सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन आमचा कायम शब्द काढावा आणि 100% जे जो है गव्हर्नमेंट जो है इसके पहिले 19 जून 2014 में एक कायम विनानुदानित के लिए एक धोरण आया था जिसके अनुसार अनुदान दिया जाने वाला था, लेकिन 2019 आ गए अभी तक वो अनुदान हमको दिया गया नहीं। अगर हमको शासन आज या कल में अनुदान नहीं देते या घोषणा नहीं करते तो मंगलवार को यहाँ पे सभी लोग आत्मदहन करने के विचार में उनके मन में आ गए और उसके लिए पूरी तरह सरकार जवाबदार रहेंगी, हम नहीं रहेंगे। क्योंकि हमने उनको निवेदन भी दिए, अर्जी भी की है कि हमारी बात सुनो सुनो, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं। हम संवैधानिक मार्ग से अगर चल रहे हैं और उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही तो उसके लिए हम जवाबदार नहीं है, वो जवाबदार है। अगर नहीं देते तो यहाँ पे बैठा एक एक व्यक्ति आत्मदहन करने के विचार में है और इसके लिए पूरी तरह सरकार जवाबदार रहेगी। इतना बोल के मैं खत्म करूँगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।